हेलो दिस इज डॉक्टर एस के सिंह आई हैव डन है फ्रॉम मलाना आजाद मेडिकल कॉलेज तो आज के सेशन में हम इन्हांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज जो करेंगे वो एग्जैक्टली exactly इसी नोट से आपका पेपर आएगा सो अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब ये लाल वाला बटन है इसे दबाइएगा और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके जो नोट्स से मैं पढ़ाऊंगा ये नोट्स अवेलेबल हो जाएगा जो हैंड रिटन नोट्स है इस टेलीग्राम में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा मैं अन अकेडमी पे हर दिन सुबह नौ बजे हाई स्कोरिंग चैप्टर पढ़ाता हूँ तो आपको अन अकेडमी के साथ जुड़ जाना चाहिए फुल मॉक टेस्ट रहता है एम में आठ बजे और टी में पी रहता है आठ बजे अन अकेडमी पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इंडिया के बेस्ट टीम से जुड़ सकते हैं नीट 2023 के बैच चल रहे हैं और नीट 2024 के भी बैच चल रहे हैं कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगाना है जो हर वर्ड कैपिटल लेटर है बिना किसी गैप के साथ जिसमें आपको टेन का डिस्काउंट मिलेगा और सौ आप मेरे गाइडेंस के अंदर आके पढ़ेंगे और अगर डॉक्टर के गाइडेंस में पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनना निश्चित है तो स्ट्रेटजी एंड इन्हांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन तो फर्स्ट इज़ अकॉल एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ रेजिंग लाइफ स्टॉक एनिमल्स एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये होता है कि हमें केयर करना है ब्रीडिंग कराना है लाइफ स्टॉक एनिमल्स का लाइक बफेलो, काव पेग, हॉर्स कैटल शिप कैमल ताकि हम इससे हम अपने बेनिफिट के लिए मैक्सिमम यूज़ कर सकें ऐसा माना जाता है कि 70 प्रतिशत से ज़्यादा पूरे विश्व में जितनी भी लाइफ स्टॉक एनिमल्स हैं इंडिया और चाइना में अवेलेबल है डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं जिसमें हम जितने भी गाय भैंस हैं उनको एक साइंटिफिक अप्रोच से प्रॉपर रख रखाव करते हैं और डेयरी फॉर्म मैनेजमेंट में एक वेटनरी डॉक्टर मैंडेटरी है इसमें हाई इल्ड ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है जो ज़्यादा मिल्क इल्डिंग कैपेसिटी है तो डेयरिंग इज अ मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट सलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैविंग द हाई इल्ड पोटेंशियल अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एरिया एंड कम्बाइंड विद द रजिस्टेंस डिजीज इन वेरी इम्पॉर्टेंट सो फीडिंग ऑफ कैटल शुड भी कैरियड आउट इन द साइंटिफिक मैनर विच स्पेशल इम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी फॉर्डर रेगुलर विजिट अ वेटनरी डॉक्टर शुड भी मैंडेट्री पोल्ट्री फॉर्म अगेन ई बर्ड्स फाउल के लिए किया जाता है जिसमें एग के प्रोडक्शन को मीट के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है दे आर टिफिकली इंक्लूड द चिकन डक्स टर्किन घीज एंड जो भी uh, इसमें फार्मिंग है उसमें सुटेबल ब्रीड का इस्तेमाल किया जाता है इनके प्रॉपर फीडिंग प्रॉपर यहाँ डेरी नहीं होगा यहाँ प्रॉपर फीडिंग सेफ़ कंडीशंस प्रॉपर सब चीज़ किया जाता है ताकि उनसे कोई बीमारी ना फैले एनिमल ब्रीडिंग दो एनिमल्स में दो एनिमल्स को आपस में ब्रीड कराना और उससे एक नया नया जनरेशन नया नया चीज़ों को डेवलप करना तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री द ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय द डिसेंट एंड द सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर लाइक द जनरल अपीयरेंस फीचर साइज कन्फिग्रेशन एक्सेट्रा इज सेट टू बी ब्रीड इसे ब्रीड कहते हैं इन ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर सेम ब्रीड के साथ क्रॉस कराएंगे तो उसे इन ब्रीडिंग कहेंगे जैसे गाय को बुल के साथ बट लगातार उसी बुल के साथ अगर आप क्रॉस कराएंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी एंड दैट्स कॉल्ड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन So inbreeding is refers to the mating of more closely related individuals within the same breed up to the four to 6th generation. Inbreeding increase the homozygosity and continue inbreeding especially the close inbreeding use, uh, they reduce the fertility or even productivity and this is called inbreeding depression. Outbreeding outbreeding is a breeding of unrelated animals which may be between the individual of the same breed breed same hona बट दोनों के साइड में मेल और फीमेल में कॉमन एंसेस्टर चार से छह जनरेशन में नहीं होना चाहिए आउट क्रॉसिंग दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग द नो कॉमन एंसेस्टर आइदर साइड ऑफ देयर पिडिग्री पिडिग्री एनालिसिस अप टू फोर टू सिक्स जनरेशन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ऑफ स्प्रिंग ऑफ सच मैटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस क्रॉस ब्रीडिंग इज मेथड ऑफ सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड यहाँ पे ब्रीड बदल रहा है यहाँ पे ब्रीड चेंज हो गया है है ना यहाँ पे ब्रीड बदल गया है ब्रीड चेंज हो गया है तो आउट ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वान्टिटी ऑफ द टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कम्बाइंड इंटर स्पेसिफिक द मेल एंड फीमेल स्पेसिफिक है तो यहाँ स्पीसीज चेंज हो गया है तो मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ द टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड एन समोजीनी मे बी कम्बाइंड डिजायरेबल फ्यूचर uh, both the uh, both the parents and maybe considers uh, economic value like mule mule is se banaya gaya ek question aaya hai control breeding program artificial insemination insemination ka matlab hota hai deposition of semen agar hum artificially kya kare ki hum ek needle mein sperm ko collect karke directly uh, female reproductive tract में डाल दें तो that is called artificial insemination इससे फायदा ये होगा कि natural uh, intercourse में बहुत सारा semen बर्बाद हो जाता है sperm बर्बाद हो जाता है और हम अगर डिजायरेबल कैरेक्टर को प्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो सीमेन इज कलेक्टेड फॉर द मेल दैट इज चूजन एज अ पेरेंट एंड इंजेक्टेड टू ट्रैक ऑफ सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एज अ फ्रोजन इसे फ्रोजन में ट्रांसपोर्ट करते हैं या इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं एंड डिजायरेबल मेटिंग इज कैरिड आउट राइट सो मल्टीपल ओवेलेन एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्निक एम ओ ई टी इज इंपॉर्टेंट वन नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा ओवोलेशन को बनाना तो नॉर्मली गाय ए, ए, एक से दो अंडा प्रोड्यूस करती है बट अगर हम इसे एफ एस एस का इंजेक्शन देंगे तो छः से आठ अंडा प्रोड्यूस करेगी और फिर हम इसे नेचुरल इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे तो छः से आठ एम्ब्रियो बनेंगे इसे नॉन सर्जिकली जो वेटनरी डॉक्टर हैं उसे निकाल के और दूसरे दूसरे गाओ में डाल देंगे एंड दैट्स कॉल सरोगेसी और उसे हम इंस्टेंटली बहुत सारे एग को प्रोड्यूज बहुत सारे काफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इन दिस मैटर द काउड एडमिनिस्ट्रेशन द हॉर्मोन दैट इज एफ लाइक एक्टिविटी दे इंड्यूस द फॉलिकुलर मैचुरशन एंड सुपर ओवलेन इंस्टेड ऑफ वन एग दे नॉर्म एनिमल इज आइर मेटेड विदाइट बुल और आर्टिफिश इनसेमिनेशन करा सकते हैं द फर्टिलाइज एक्ट एट टू थर्टी टू सेवर नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर्न टू दर्वेट मदर बी कीपिंग बी कीपिंग इज द एपीकल्चर ऑफ में हाइव ऑफ हनी एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी हनी के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है सो द फॉलोइ पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल बी कीपिंग द नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ द हैबिट्स सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन ऑफ बी हाइव कैचिंग एंड हाइबिंग ये सारे नॉलेज होना चाहिए तभी आप एक सक्सेसफुल बी कीपिंग कर सकते हैं फिशरीज इज अ इंडस्ट्री डिवोटेड द कैचिंग प्रोसेसिंग सेलिंग ऑफ फिश सेल फिश एंड अदर इक्वेटिक एनिमल्स इक्वेटिक एनिमल्स अ प्रॉन क्रैब लोबेस्टर ये सारा चीज किया जाता है

प्लांट डेवलप करते हैं दैट इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग सो व्हाट इज द मेन स्टेप इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ वाइब्रेबिलिटी हम अलग अलग जगह से अलग अलग प्लांट के सीड को कलेक्ट करेंगे है ना सो द इंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड ऑल डाइवर्स है ऑल द जीन गिवेन क्रॉप इज कॉल जम्पलास कलेक्शन इम्पॉर्टेंट है फिर हम उसे इवेल्युएशन और सेलेक्शन करेंगे आपस में देखेंगे कि उसका कितना अच्छा ग्रोथ है फिर हम उसका सिलेक्शन कर लेंगे फिर हम क्रॉस हाइब्रिडेशन कराएंगे जो बेहतर ग्रो करेगा आपस में उसे क्रॉस कराएंगे फिर हम उसका सिलेक्शन करेंगे और सुपीरियर रिकॉम्बेंट का सिलेक्शन कर लेंगे फिर उसे अलग अलग जगह पर करेंगे दैट इज़ कॉल एम एल टी मल्टीलोकेशन टेस्ट रिलीजिंग ऑन कमर्सलाइजेशन न्यू वराइटी नए वरायटी को हम रिलीज़ कर देंगे एग्रीकल्चर अकाउंट अप्रॉक्सिमेटली थर्टी थ्री परसेंट थर्टी थ्री ऑफ इंडियन जी डी पी एन एम्प्लॉय सिक्सटी टू परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नाइन सिक्सटी टू टू थाउजेंड वीट प्रोडक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम इलेवन मिलियन टन टू सेवेंटी फाइव मिलियन टन वाइल द राइस प्रोडक्शन इज थर्टी फाइव मिलियन टन एटी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन टन ऑफ वीट इससे रिलीज हुआ हैोनालिका एंड कल्याण सोना इज अ कॉमन एग्जाम्पल सेमी ड्रॉप वरायटी राइस का क्या है जया और रत्ना और ये वीट का वराइटी है सोनालिका और कल्याण सोना 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 जिसमें आ जाए वो वीट का है और बाकी जया और रत्ना हमारा राइस का है सुगर गेन सेक्रम बार्बेरी और ओरिजिनल ग्रो इन नॉर्थ इंडिया और सेक्रम ऑफिसनेरियम साउथ इंडिया में ग्रो करता है बट सेक्रम ऑफिसनेरियम क्या है थिक स्टेम है शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है बट दे आर नॉट ग्रो वेल इन द नॉर्थ इंडिया तो दोनों में आपस में क्रॉस कराया गया सेक्रम ऑफिसनेरियम और बारबेरी में और जो प्रोडक्ट आया है वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो करता है जिसमें थिक स्टेम है शुगर कंटेंट भी बहुत ज्यादा है मिलेट्स हाइब्रिड मीज ज्वार बाजरा हेज बिन सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया तो वीट की वैरायटी है हीमगिरी जो लीफ और स्टाइप रस्ट हील बंट के लिए यूज किया जाता है ब्रासिका पूसा स्वायम व्हाइट रस्ट के लिए यूज किया जाता है कॉलीफ्लावर पूसा सब्र के लिए यूज किया जाता है ब्लैक रॉट कल रूट के लिए ही होता है काउपी पूसा कोमल बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज चिली पूसा सदाबहार चिली मोजाइक वायरस टोबैको मोजाइक वायरस ब्रासिका पूसा गौरव एफिड्स के लिए है फ्लैट बिन सेम फर्स्ट सेम थ्री जैसिड एम्फिड एंड फ्रूट बरॉर ओकरा विंडी स्वामी सूट और फ्रूट बोरर के लिए होता है बायोफर्टिफिकेशन क्या होता है कि अगर हम अपने क्रॉप्स में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हेल्दियर फैट हेल्दियर प्रोटीन डाल दें तो दैट्स कॉल्ड बायोफर्टिफिकेशन ब्रीडिंग क्रॉप्स विद द हाइर लेवल ऑफ विटाम्स और हाइयर प्रोटीन हेल्दियर फैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव द पब्बिक हेल्थ ब्रीडिंग ऑफ इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव टू द इम्प्रूविंग एंड इसमें प्रोटीन क्वालिटी और कंटेंट को, को, को बढ़ा देते हैं ऑयल क्वान्टिटी एंड कंटेंट को बढ़ाते हैं विटामिन कंटेंट माइक्रो न्यूट्रंट कंटेंट को बढ़ा देते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है रिलीज सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स तो ए विटामिन एन रिच कैरेट स्पिनिच पंपकिन विटामिन सी इन रिच बीटर गार्ड भथुआ मस्टर्ड टोमेटो आयरन एंड कैल्शियम इन रिच स्पिनिच भतुआ एंड प्रोटीन रिच ब्रॉड लव लव फ्रेंच एंड गार्डन पी फ्रेंच एंड गार्डन पी नाउ वी हैव अ सिंगल सेल प्रोटीन सिंगल सेल का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिंगल ही हमेशा रहे है ना बट दे आर ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम विच हैव द प्रोटीन कंटेंट इज ऑल्सो कंसिडर द सिंगल सेल प्रोटीन बट मेजोरिटी ऑफ देम दे आर सिंगल एंड दे आर दे आर रिच इन प्रोटीन दे आर फॉर दे आर कॉल सिंगल सेल प्रोटीन Is suffering from the hunger and malnutrition, and one of the alternate source of protein for the animals and human nutrition is single cell protein. Blue-green algae like spirulina can be grow easily in material like waste water from the potato processing plant and uh, molasses and animals manure and even sea waste growers grow and they produce a lot of protein tissue culture the explant is a part of the plant which is taken from the shoot root or any any anywhere else from the plant part which is initiated for the tissue culture which is tissue culture ke use that is called explant so any part of the plant taken from the grow in a test tube which under the sterile condition in a special nutrition media so this capacity to generate a whole plant from the any plant दैट इज कॉल्ड टोटी पोटेंसी प्लांट में एक फीचर है जिससे कंप्लीट प्लांट बन सकता है टोटल पोटेंसी बट एनिमल में फीचर नहीं है दिस मैथड इज प्रोड्यूसिंग द थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रशन जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है एंड ईच ऑफ द्लांट विल जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे ग्रो इज कॉल्ड सोमाक्लोन सोमाक्लोन राइट दे आर कॉल्ड सोमाक्लोन तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज फ्रॉम द डिफरेंट वराइटी ऑफ प्लांट ईच है डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लाज अलग अलग प्रोटोप्लाज को बनाते हैं दिस इज द फ्यूज बाय द पीईजी जी दिस हाइब्रिड आर कॉल सोमेटिक हाइब्रिड विच इज प्रोसेस कॉल सोमेटिक हाइब्रिडेशन दर्ट्स ऑल